दोस्तों ये है 2024 मारुति सुजुकी इग्निस का बेस मॉडल सिग्मा। अभी इस गाड़ी में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। नवंबर के महीने में आप अगर गाड़ी खरीदते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप कितना डाउन पेमेंट करके इस गाड़ी को खरीद सकते हैं, कितनी प्राइस है, क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या क्या सेफ्टी मिलती है, सब कुछ बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। सबसे पहले हम इस गाड़ी का पूरा सामने का डिज़ाइन देख लेते हैं। ये गाड़ी अगर आप देखेंगे तो सामने से बहुत बढ़िया लगती है। बीच में लोगो मिल जाता है क्रोम पे और यहाँ पे यू शेप में क्रोम का ही यूज किया है। देखने में बहुत शानदार लगती है ये चीज़ें। पूरा हेडलैम्प यूनिट देखेंगे तो ये भी बड़े साइज का है। रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन बल्ब का यूज किया गया है। थ्रो भी बहुत बढ़िया है। साइड में टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। टॉप मॉडल में आपको DRL वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। कोई फॉग लाइट नहीं मिलती, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आफ्टर मार्केट या शोरूम कहीं से भी लगवा सकते हैं। गाड़ी का पूरा सामने का डिज़ाइन देखेंगे तो बढ़िया लगता है। 1690 mm गाड़ी की चौड़ाई है। देखने में गाड़ी अच्छी खासी लंबी चौड़ी भी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बोनट एरिया के ऊपर दो वॉफर मिल जाते हैं, दो वाइपर, पूरा ग्लास एरिया देख लीजिए। गाड़ी की रूफ देखेंगे तो पूरी तरह से प्लेन है। पीछे रेगुलर एंटीना मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको सेफ्टी भी ठीक ठाक लेवल की मिल जाती है, जैसे दो एयरबैग मिल जाते हैं। सेंटर लॉकिंग नहीं आती बेस मॉडल में। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये तमाम सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। आइसोफिक्स सीट वगैरह ये सब कुछ दिया गया है। और सामने का पूरा डिज़ाइन देख लिया आपने, अब साइड का पूरा डिज़ाइन देख लीजिए। बॉडी कलर में ही डोर हैंडल मिल जाते हैं। पूरी तरह से SUV टाइप से फील होती है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 15 इंच के टायर मिल जाते हैं स्टील रिम के साथ। ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। आगे दोनों टायर में डिस्क ब्रेक हैं, पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। फेंडर पे टर्न इंडिकेटर दिया है, जहाँ से आपको पता चलेगा कि ये बेस मॉडल है। ऊपर भी थोड़े से डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं। बॉडी कलर में ही डोर हैंडल मिल जाता है, ये अच्छी बात है। इसको हाथ से ही फोल्ड और एडजस्ट करना पड़ेगा। पूरा ग्लास एरिया देखेंगे तो ठीक ठाक साइज का है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी कलर में ही डोर हैंडल मिल जाते हैं। पीछे वाले दोनों टायर में ड्रम ब्रेक हैं, आगे डिस्क ब्रेक मिलते हैं। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, गाड़ी का सामने का डिज़ाइन आपने देखा था तो बहुत बेहतरीन लगता था, लेकिन पीछे से अगर देखेंगे तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। थोड़ा सा अलग टाइप से डिज़ाइन है, उतना शानदार नहीं लगता जितना सामने का पूरा डिज़ाइन है। यही वजह है कि इस गाड़ी को लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। बाकी इसमें आपको अगर चला के देखेंगे आप गाड़ी तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि 4-सिलेंडर इंजन मिल जाता है। पूरी तरह से रिलायबल गाड़ी है। यहाँ पे बीच में लोगो मिल जाता है, इधर ऊपर देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलता। पूरी तरह से प्लेन है। हाई स्टॉप माउंटेन लैंप मिल जाता है, ऊपर रेगुलर एंटीना है। पूरा टेल लैंप यूनिट का डिज़ाइन देख लीजिए, ये चीज़ें तो बढ़िया लगती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। रिवर्स पार्किंग लैंप, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर, ये सब कुछ मिल जाता है। 32 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में आती है, CNG में नहीं आती। इग्निस की बैजिंग दी गई है क्रोम पे, 3D क्रोम का यूज किया गया है। दोनों साइड रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। और एक अच्छी चीज़ है कि बेस मॉडल में आपको 4 रिवर्स पार्किंग अल्ट्रासोनिक सेंसर दिए हैं, बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। पूरी तरह से SUV वाला 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बूट ओपन करने के लिए आपको यहीं बटन मिल जाती है बेस मॉडल में, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको प्रेस करके आप ओपन कर सकते हैं। ऊपर अच्छी तरह से कवर किया गया है। बेस मॉडल में अगर आप देखेंगे तो कोई भी पार्सल ट्रे वगैरह नहीं मिलती। इस गाड़ी में आपको 260 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, ठीक ठाक साइज का, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दो बैग आप आराम से रख सकते हैं और छोटा मोटा सामान भी रख सकते हैं। नीचे देखेंगे तो स्टेपनी मिल जाती है, स्पेयर व्हील दिया गया है। अगर आप ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा सामान रखना चाहते हैं, तो पीछे वाली सीट को पूरा फोल्ड कर दीजिए, ये आसानी से फोल्ड हो जाती है। उसके बाद आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। ये तो हो गई गाड़ी के पूरे बूट स्पेस की कहानी। अब चलिए एक बार ड्राइवर साइड का डोर ओपन करके देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। पूरा डोर ट्रिम का डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत बढ़िया है, ब्लैक कलर का ही यूज किया है। और डोर की ओपनिंग भी बहुत बढ़िया है, गाड़ी के अंदर बैठने उतरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ब्लैक कलर का ओपनर मिल जाता है, नीचे लॉक और अनलॉक करने के बटन हैं। आगे वाले दोनों पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं। यहाँ पे हैंडल मिल जाता है, पूरा ही हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट टच नहीं है। 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं, थोड़ा बहुत सामान और भी रख सकते हैं। और स्पीकर के लिए जगह दी गई है। बेस मॉडल में आपको म्यूजिक सिस्टम भी नहीं मिलेगा। पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन आप देख लीजिए, इंटीरियर का पूरा डिज़ाइन देख लीजिए एक बार। एक अच्छी बात है कि बेस मॉडल में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। सीट बहुत शानदार है, पूरी तरह से फैब्रिक में है। कंफर्ट आपको अच्छे लेवल का मिल जाएगा। यहाँ पे आप पूरा थाई सपोर्ट वगैरह देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। कितनी भी दूरी ड्राइव करेंगे थकावट महसूस नहीं होगी। सीट को आगे और पीछे कर सकते हैं, हाइट को एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ से आप रिक्लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं।
सीट बहुत बढ़िया है, चाहे आप आगे की देखिए या पीछे की देखिए। एक बार पूरा डैशबोर्ड का डिजाइन आप अच्छी तरह से देख लीजिए, बस म्यूजिक सिस्टम लगवाने की जरूरत है और बाकी कोई कमी नहीं है। साइड में एसी वेंट दिए हैं, नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हेडलैम्प के लेवल को सेट करने के लिए दिया है, नीचे एबीसी पैडल है, साइड में डेड पैडल के लिए भी जगह दी गई है, यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हैं, और नीचे फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए दिया है। यहाँ पे अभी पन्नी लगी हुई है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो लीवर मिल जाता है फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए। अब एक बार चलिए मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आपको सभी चीज़ें दिखा देता हूँ एक एक करके, और भी क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। स्टीयरिंग व्हील का पूरा डिज़ाइन देखेंगे तो राउंडेड वाला है, बीच में लोगो मिल जाता है क्रोम पे, नीचे हॉर्न और एयरबैग दिया है, और कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते बेस मॉडल में। यहाँ पे ग्लॉसी सिल्वर कलर का यूज किया गया है, अलग से हाईलाइट होता है, देखने में भी बढ़िया लगता है। सामने देखेंगे तो सेमी डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, 220 की स्पीड के साथ स्पीडोमीटर है, नीचे छोटी सी डिजिटल MID दी गई है। इधर वाइपर का कंट्रोल मिल जाता है, और राइट साइड में देखेंगे तो हेडलैम्प और इंडिकेटर का कंट्रोल दिया है। अगर आप फॉग लाइट लगवाते हैं तो नीचे ही आपको बटन मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील का एडजस्टमेंट देखेंगे तो इसको आप सिर पर टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसके पूरे सेंटर कंसोल पे। यहाँ पे देखेंगे तो म्यूजिक सिस्टम नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो लगवा लीजिए। नीचे हजार्ड लाइट का बटन दिया है, पूरी तरह से मैनुअल AC मिल जाता है, कूलिंग बहुत बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इधर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, 2 कप होल्डर के लिए जगह है, यहीं पे आप मोबाइल रख सकते हैं। 5 गियर वाली ये गाड़ी है, बेस मॉडल को छोड़ के आपके ऊपर के सभी मॉडल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, हैंड ब्रेक दिया है, यहाँ पे आप बॉटल वगैरह रख सकते हैं, और कोई भी यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता। इधर साइड में AC वेंट दिए हैं, कूलिंग बहुत बढ़िया है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, कितनी भी गर्मी पड़े गाड़ी बहुत जल्दी कूल हो जाती है। ऊपर मैनुअल IRBM है, कैबिन लाइट मिल जाती है हैलोजन पे। ड्राइवर साइड के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ सनवाइजर मिलता है, और को ड्राइवर साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी सिर्फ सनवाइजर ही है, वैनिटी मिरर नहीं मिलता बेस मॉडल में। साइड में फोल्डेबल ग्रैब हैंडल है, ये अच्छी चीज़ है। पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखेंगे तो बढ़िया लगता है, पूरी तरह से फ्लैट है, बस आप म्यूजिक सिस्टम लगवा लीजिए उसके बाद बढ़िया लगने लगेगा। फिट एंड फिनिश क्वालिटी भी देखेंगे तो अच्छे लेवल की है, और नेक्सा से मिलने वाली गाड़ी आपको प्रीमियम लगती है, सभी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो छोटू सा ग्लव बॉक्स है, इसमें भी आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं, पेपर वर्क वगैरह। अब चलिए ड्राइवर साइड का डोर बंद करते हैं और पैसेंजर साइड का डोर ओपन करके देख लेते हैं क्या चीज़ें मिलने वाली है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो डोर की ओपनिंग बहुत बढ़िया है, गाड़ी के अंदर बैठने उतरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरा डोर ट्रिम देखेंगे तो ब्लैक कलर का ही यूज किया गया है, सिंगल ब्लैक कलर है। यहाँ पे विंडो को ऊपर नीचे करने के लिए मैनुअली ही करना पड़ेगा ओपनर, और पूरा देखेंगे तो हार्ड प्लास्टिक का यूज किया है, 1/2 लीटर की बॉटल रख सकते हैं, स्पीकर के लिए जगह दी गई है। अंदर का पूरा डिज़ाइन देखेंगे, सीट देखेंगे तो आपको फिक्स वाले हेडरेस्ट मिलते हैं बेस मॉडल में, लेकिन एक चीज़ है 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं और 4 लोग भी मैनेज हो जाते हैं। सीट पूरी तरह से फैब्रिक में है, कम्फर्ट भी आपको अच्छे लेवल का मिल जाएगा, और यहाँ पर कुशनिंग वगैरह भी देखेंगे तो बढ़िया है, लेग रूम थाई सपोर्ट वगैरह आपको सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। देखा जाए तो स्पेस अच्छा है, एरिया अच्छा मिल जाता है। ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल दिए हैं, कैबिन लाइट आपको सिर्फ आगे मिलेगी, बीच में नहीं मिलेगी। अगर आप पीछे बैठे हैं तो कुछ इस टाइप से पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिखेगा। चीज़ें बढ़िया लग रही है, और जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आ रही है लगभग 6.5 लाख रुपए के अंदर, अभी तो इसमें आपको मैं डिस्काउंट भी बताऊँगा कितना मिलने वाला है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन और माइलेज की, और उसके बाद प्राइस और डिस्काउंट की। इसमें आपको 1197 cc का इंजन मिल जाता है, 4 सिलेंडर इंजन है, पेट्रोल में ये गाड़ी लगभग 21 KMPL का माइलेज क्लेम करती है, CNG में तो आती नहीं है, सिर्फ पेट्रोल में ही आती है। और इसकी प्राइस की बात करें तो बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस है 5,84,000 रुपये, और ये गाड़ी आपको ऑन रोड लगभग 6.5 लाख रुपये के आसपास मिल जाएगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि अभी इसमें आपको लगभग 49,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो बिल्कुल सही मौका है ये गाड़ी खरीदने के लिए। और अगर आप किस्त में ख़रीदना चाहते हैं तो बेस मॉडल आप लगभग 60,000 रुपये का डाउन पेमेंट करके ख़रीद सकते हैं, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से किस्त बनवा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी या कुछ मिस किया वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।